लास्ट ईयर क्या करा था ना, हमने 11 सिटीज में अलग अलग सेमिनार करे थे, पर उसमें कैपेसिटी बहुत कम थी। दिल्ली में हमने सेमिनार करा सिर्फ 150 की कैपेसिटी, हमने नोएडा में करा 200 की कैपेसिटी। तो इस बार हमने सोचा कि एक ना बड़े लेवल पे करते हैं और कैपेसिटी की दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। इवेंट की तैयारी यार, जैसे 17 मार्च को बर्थडे था, 27 मार्च को हमने इवेंट रख दिया था, मात्र 10 दिन थे हमारे पास और 2-3 दिन तो ऐसे निकल गए कि करना है नहीं करना है उस डिलेमा सिचुएशन में। फिर मैंने क्या कहते हैं, मेरा एक काफी अच्छा दोस्त है कार्तिक, उसको कॉल लगाया, यार कार्तिक कहाँ पे है, जल्दी से ऑफिस आ जा। ठीक है, तो भैया कहते हैं भाई मेरे पास ना बहुत तगड़ा सरप्राइज है और अगर मैं नाम दूं ना तो इसका नाम है गोट। ठीक है, यानी कि बिगेस्ट एडटेक मीटअप इन यूट्यूब जर्नी। ठीक है, तो भैया कहते थे 27 को इवेंट है, तेरे पास 7 दिन है, जो कर सकता है कर ले, तुझे ही होस्ट करना है, तुझे ही कैमरामैन करना है, सब कुछ तुझे करना है और अब पूरा वेट कर दे। तो एकदम से ना कार्तिक भैया आउट ऑफ ब्लू ऐसे पूछते हैं कि यार शो भैया के शो में करना है इवेंट में। आई वाज लाइक आर यू किडिंग मी, जिससे मेरी पूरी 10th निकाली है उसके शो में टीम मेंबर। आई वाज लाइक प्लीज, ऊपर से आई इवन हेल्प्ड इन दी नोट्स वगैरह, SST के नोट्स शोभित भैया का उनके बनाने में, एंड आई वाज ऑलरेडी इन द टीम काइंड ऑफ। लास्ट टाइम जब मैंने हमने ऑल इंडिया मीटअप किया था ना, तो उस टाइम मतलब टीम में 3 बंदे थे, मतलब मैक्सिमम 3 ही बंदे होते थे, मतलब एक तो शोभित भैया हो गए आपके और मैं और एक देवांश और शालीन, मतलब एक होता था बंदा। तो मुझे भाई ज़्यादातर चीज़ें मतलब होस्ट भी मैं ही कर रहा हूँ, कैमरा भी मुझे संभालना है, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, थैंक्स टू द गोट टीम। मतलब मैं तुम्हें अभी तक किसी को नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं सबसे पीछे बैठा था ब्रोंज की टीम में, मतलब जो ब्रोंज की वो था पूरी चेन थी उससे सबसे लास्ट में बैठा था, किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा। तो मैं वहाँ पर बैठा था आराम से चिल होके, क्योंकि मुझे पता था कि यार टीम इतना मतलब बेस्ट वर्क करी थी ना भाई, सही में मज़ा आ गया, मतलब एक नंबर। मैं एंटर कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यार सामने पूरी लाइनें लगी हुई हैं और ये जो लाइन थी ना वो पूरे जितने हमारे सारे मीटअप्स हुए थे उन सबसे बड़ी थी। तो पहले तो मेरी वही एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई था, आई थॉट कि वी विल बी हैविंग अराउंड 1000 स्टूडेंट्स के, बट हमारे 3000 के अबव हो गए थे एक पॉइंट पर, लगा शिट कैसे हम सारा कैसे मैनेज आउट होगा, बट सारा स्मूथली हो गया। इवन स्टार्ट होने से पहले जब शोभित सर ने सबको बुलाया था, तो इट वॉज लाइक आई हैड टू गिव द बैंड्स आउट, जो सीट्स के जैसे गोल्डन सिल्वर ब्रॉन्ज सीट्स के मुझे बैंड से पहनाने थे। बैंड की भी एक पीटी हो गई थी हमारे साथ, कि बैंड जो थे वो मैं तो उनसे बैंड मंगा के उसके ऊपर टप्पा लगवाया। रूठे खाबों को मना लेंगे। हाँ जी, आई थी प्रॉब्लम तो बिकॉज पीपल वर कंप्लेनिंग कि मैम एक सीट ही तो नीचे बैठना है, प्लीज बिठा दो ऐसे ऐसे करके। एंड मेन दिक्कत वॉज बिकॉज आई वॉज गाइडिंग मेनली गोल्ड टिकट्स वालों को कि गोल्ड में कहाँ कहाँ पे बैठना है, एंड वी हैड दी फ्रंट सीट्स फॉर दी VIPs एंड दे वर लाइक बार बार मैं जस्ट कुछ और काम करने लगूँ एंड दे जस्ट शिफ्टेड पहली सीट्स पे एंड दे वर लाइक वी हैव VIP pass, बट लास्ट पे एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड। बाउंसर थोड़े लेट आए थे, वो ना ट्रैफिक जाम में अटक गए थे, तो दे वर लाइक 150-200 लोग थे, वो बाहर हो गए क्योंकि बाहर खड़े थे, भीड़ आ रही थी, पहले आ गए थे तो उनको अंदर घुसने दे नहीं सकते क्योंकि बाउंसर थे नहीं, तो दे वर लाइक कि अंदर जाने दो अंदर जाने दो। फिर मैं भैया के पास गया, शोभित भैया के पास, हाँ, कि मैंने भैया को बताया कि भैया यार ये बात हो गई है, फिर भैया खुद आए बाहर कि उनको बोले कि थोड़ी मिस मैनेजमेंट हो गई है ये चीज़, अब थोड़ा करें, और भैया ने सॉर्ट आउट कर दिया, वो थोड़े शांत हो गए, फिर आराम से बाउंसर आया, फिर हो गया। इवेंट स्टार्ट होने में कि माइक्स पकड़ाने थे सबको, बिकॉज बच्चे हर जगह बैठे हुए थे, तो माइक्स का जैसे जिसको क्वेश्चन पूछना था, एंड उसके बाद ये भी देखना था कि कोई रिकॉर्डिंग ना कर रहा हो वीडियोस की, तो हाँ जी मेरा टास्क था, मेरे को माइक्स डिस्ट्रीब्यूट करवाने थे, जितने भी वॉलंटियर्स थे उनसे Q&A के लिए माइक्स डिस्ट्रीब्यूट करवाने थे। तो होस्टिंग वॉज दी बेस्टेस्ट पार्ट, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनता को होस्ट कराना और इतनी ज़्यादा जनता को एकदम एक पॉइंट पे लाइट अप करना उस हाउस दी जोश टैगलाइन पे ना, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था और वही हमने सही से पूरा किया। वीडियो देखो क्या है कि मुझे ना मुझे शोध ने बताया कि भाई ऐसा एक सॉन्ग उसने, मतलब वो रोज़ सुनता है, वो एक गाना है वो रोज़ सुनता है, वो कहता है कि यार इसको ऐड कर उसमें।
अब मैंने कहा यार ये थोड़ा थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाएंगे कौन सा गाना है ये कौन सा है। मैंने कहा चलो एक बार डाल के देखते हैं। और भाई जब वो फिट हुआ ना, मतलब जो हमने शूट करके आए थे हम एक बार एक दिन स्टेडियम में जाके भाई का, तो जो फिट हुआ ना भाई एक नंबर परफेक्ट हुआ। मैंने कहा अब डाल दे भाई। और भाई मैं देख रहा हूँ कमेंट में लिख रहे हैं कि भैया न्यूज भैया ने कोई गाना बना दिया क्या, मतलब वीडियो एडिटिंग तो करते ही हो तो भैया ने गाना बना दिया। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई गाना नहीं बनाया, वो एक्शन हीरो का एक थीम सॉन्ग है, आप सर्च भी कर सकते हो। तो ये सीन था यार। मैं ना यार ऐसे स्क्रिप्ट नहीं बना के आता हूँ कि क्या क्या चीज़ें डालनी है, क्या क्या चीज़ें बोलनी है पॉइंट टू पॉइंट। बस दिमाग में होता है कि यार ऐसे ऐसे फ्लो में बोलना है और बोल के आ जाएंगे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा ना, मेरे को इतनी सारी भीड़ दिखी, मैंने कहा यार कुछ आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो मैंने पूछ लिया कौन कौन है जो दिल्ली के बाहर से है। अब लोगों ने बहुत सारे हाथ खड़े कर दिए। फिर मेरे दिमाग में आया ये तो गाज़ियाबाद फरीदाबाद वाले भी दिल्ली के बाहर से बोल देंगे। तो मैंने उनके ऊपर ऐसे जोक सा मार दिया कि जो गाज़ियाबाद नोएडा फरीदाबाद ये सारे लोग हैं ना, ये अपने आप को दिल्ली के बाहर के मत बोलो, तुम दिल्ली के ही हो। फिर मेरे दिमाग में यार ये ऐसे ऑफेंड ना हो जाए, मैंने सॉरी मांग लिया, बट चलता कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैं अपने कोटा के टाइम की बात कर रहा था, तो मैंने बोला कि मैंने सैंपल पेपर वगैरह करे थे। और मैंने जैसे ही बच्चों से पूछा कि इस साल आपने सैंपल पेपर करे थे, कौन से करे थे, मैंने सोचा यार अभी अगर बच्चों ने अलग अलग नाम ले दिए और वहाँ पे वो लड़ लिए भिड़ लिए, बट फिर ऑब्वियस ही बात है सब बच्चे फॉलो कर ही रहे थे तो उन्होंने एक ही नाम लिया सबने। बढ़िया गया, अच्छे गए ना पेपर। फनी इंसिडेंट, हाँ एक था एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। क्या हुआ, जब इवेंट ख़त्म हुआ ना तो मुझे शोबित से मिलने आना था, कोई रूम था मुझे अभी याद नहीं है, कोई वहीं स्टेडियम में एक रूम था। तो मैं अंदर जा रहा हूँ, वहाँ पे बाउंसर खड़े हैं, तो मैंने क्या था कि जो गोड की टीम का वो जो कार्ड था वो मैंने अंदर रख रखा था, क्योंकि मेरे पास वो नहीं था जो रिबन था, मैंने अंदर रख रखा। मैं घुस रहा हूँ अंदर, वो बाउंसर हो रहे हैं क्या कौन है कौन जा रहा है। तो मैंने कहा अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं भाई हूँ, अब मैंने कहा कि मैं शोबित का भाई हूँ, तो कह रहे हाँ सब भाई हैं, सब ये कह रहे कि वो सब छोटे भाई हैं। एक मेरे को इंसिडेंट याद है, क्या हुआ, एक स्टूडेंट कंटिन्यूसली लगा हुआ है प्रॉपर सेटअप के साथ वीडियो रिकॉर्ड करने में, रोड का प्रॉपर माइक का सेटअप है, कैमरा लेके ही इज रिकॉर्डिंग। कम से कम 7-8 बार बोला कि सर प्लीज मत रिकॉर्ड करो, वी आर नॉट अलाउड, मत करो। ही वॉज नॉट लिसनिंग, मैं तो करूँगा मैम, मैंने तो पैसे दिए, मैं तो करूँगा। फिर बाउंसर्स को बोला, बाउंसर आया, उन्होंने फोन एकदम से बंद किया, पूरे इवेंट में बंदे का फोन नहीं खुला। फिर ऐसा एक हुआ था, एक आंटी थी जो कह रही थी मुझे माइक दे नहीं रहा, तो मैं वो चिल्लाने लग गई शोर, तो मैं निमित के पास गया, तो उनको मैंने बोला ऐसे ऐसा सीन है, तो उन्होंने जाके फिर वहां सॉर्ट कराया था। देयर वाज अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर एवरीवन, कस्टमाइज्ड डायरीज एंड कस्टमाइज्ड पेंस थे भैया के, तो वी हैड टू डिस्ट्रीब्यूट देम जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे थे बाहर उन सबको। मेरे को टास्क यही था कि बच्चे भैया ने सबको वादा किया था कि मैं सेल्फीज खिंचवाऊंगा सबके साथ, ठीक है। तो हमारा मेन प्लान ये था कि यहाँ से बच्चों को बुलाएंगे, सेंटर से बुलाएंगे और उनके साथ सेल्फीज खिंचवा के आराम से लाइन क्यू में लगवा के भेज देंगे। मेजर प्रॉब्लम तो बहुत थी, मतलब क्योंकि क्राउड था, बहुत सारे लोग थे, इवन बहुत लोग तो फोटोज लेने के लिए अंदर थे, हमें पता भी नहीं था, डायरीज पड़ी हुई थी साइड पर पड़ी हुई है। This guy came in, उसने तीन चार डायरी वो पहले ले चुका था, it was stripped here on his stomach, the diaries were there and we could see that. फिर उसने मुझे आगे बोला कि डायरी दे दो, डायरी मेरे को मिली नहीं, एंड यू लाइक आपको पता है ना कि हम देख सकते हैं डायरीज, एंड इवन पेरेंट्स वर कमिंग इन, दे वर लाइक हमें दे दो डायरीज, हमें दे दो, बट आई लाइक स्टूडेंट्स के लिए सर प्लीज देखो। सो हाँ, दैट वॉज रियली हेक्टिक, कोई पेन के डब्बे उठा के लेके जा रहा था। बसड़ का तो क्या है यार कि जब मैं आप इतने बड़े लेवल पे चीजें कर रहे होते हो ना, तो मेरे को पता था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें कि चीज़ें शायद हमारे हाथ से निकल जाएंगी या कुछ होगा। क्या हुआ कि हमने सोचा था कि एंड में ना सेल्फी लेने के लिए बच्चों से लाइन लगवा देंगे और अलग अलग स्लॉट्स को बुलाएंगे कि पहले ऊपर वाले आ जाओ, फिर बीच वाले, फिर नीचे वाले, राइट वाले, लेफ्ट वाले, इस तरह से हम लाइन लगवा देंगे। बट जैसे ही उसने बोला सेल्फीज, मैं देख रहा हूँ सेंटर वाले बच्चे भाग रहे हैं, लेफ्ट वाले कूद के आ रहे हैं, राइट वाले भागते हुए आ रहे हैं। उसकी वजह से हमें वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे तालकटोरा स्टेडियम के, उन्होंने बोल दिया कि आप अभी मत करो, अभी 10-15 मिनट रुक जाओ, थोड़ी भीड़ शांत होन दो, फिर अपना सेल्फी सेशन कंटिन्यू करना, थोड़ी देर होल्ड कर दो। जब मैं वहाँ से होल्ड करने के लिए अपने कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जा रहा था, तब वहाँ पे एक अंकल थे, वो एकदम मेरी तरफ आए कि ऐसे करते हैं क्या इवेंट को, तुमने ऐसे ऑर्गेनाइज करा है अपना इवेंट, ऐसे नहीं करना होता है, तुम मेरे को जवाब दो, मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो सिनेरियो समझो क्या हुआ, मतलब इतना कुछ सीरियसली हुआ, मैं नीचे खड़ा हुआ, अंकल फर्स्ट वाले उस पे खड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे करते हैं इवेंट, ऐसे करते हैं, और मैं शांत खड़ा हूँ। उसके ऊपर, उनके ऊपर उनका बेटा खड़ा हुआ है और उनको डांट रहा है कि आप ऐसे शोभित भैया को कैसे बोल रहे हो, ऐसे कैसे होगा। तो ये सीन रहा था, थोड़ी सी ये बसड़ हुई सेल्फी के टाइम पे, थोड़ी सी बसड़ हुई थी, बाकी पूरा इवेंट काफ़ी स्मूथ गया।
तो बड़ी सैड आजकल जो बाहर के बच्चे हैं यार, हम प्लान कर रहे हैं इन गर्मियों की छुट्टियों में एक अलग टाइप की चीज़ करने की, तो वो जैसे ही आएगा वो आपको पता चल जाएगा यार। और उसके लिए भी बड़ी बड़ी प्लानिंग है, पैसा बहुत लग रहा है मेरा, बट आपसे बढ़ के क्या चीज़ है, बिल्कुल आते हैं। बाय। तो चलो यार, तुम्हारा दूसरा सवाल भी है। मैं निकलता हूँ, मेरा दूसरा एग्जाम है, मैं निकल रहा हूँ। आजकल वेरी बैड है जी, फिर तो बड़ी सैड।